तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे कबीरदास जी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हैं। अगर आप आज की इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं अगर आप अच्छे से मैनेज करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आई कैन गारंटी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कबीरदास जी से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? नंबर एक आदिकाल, बी नंबर छायावादी काल, सी नंबर भक्तिकाल, डी नंबर रीतिकाल। तो जो कबीरदास जी थे वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर भक्तिकाल। ठीक है, भक्तिकाल के कवि थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कबीर की वाणी का संग्रह किसमें था? नंबर एक शब्द, बी नंबर रामायण, और सी नंबर है बीजक, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर बीजक। ठीक है, जो बीजक थी वो कबीर की वाणी के संग्रह में था। ठीक है, क्योंकि बीजक के आप लोगों को मालूम है कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं अभी, साखी शबद रमैनी, तो दो इसमें से दिए ही हैं, साखी सॉरी शबद रमैन और साखी भी होती है। ठीक है, तो बीजक के तीन पार्ट थे, बीजक एक कह सकते हैं पार्ट था जिसके तीन उसके सम्मेन होते। ठीक है, सब संग्रह थे या सब उसके आप ऐसे कर सकते हैं कि कृति थी ऐसा भी। ठीक है, तो बीजक के तीन पार्ट थे आप समझ लीजिए, साखी शबद रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस जात के थे? नंबर एक दुनिया, बी नंबर जुलाहा, सी नंबर दर्जी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जुलाहा, कबीरदास जी जुलाहा जात के थे। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके साइड पर बेल आइकन प्रेस कर देंगे जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे? ठीक है, नंबर एक रैदास, बी नंबर धर्मदास, सी नंबर रसखान, डी नंबर देव। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, धर्मदास जी कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? नंबर एक है 1488, बी नंबर 1550, सी नंबर है 1398, और डी नंबर 1600। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। फिलहाल कबीरदास जी के जन्म के बहुत सारे मतभेद हैं। मतभेद का मतलब ये कि जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि इनका जन्म यहाँ पर इस सन में हुआ था, ठीक है, इस जगह पर हुआ था। तो जो ज़्यादा वायरल हुआ यानी कि जो ज़्यादा माना जाता है वो है 1398, इसलिए राइट आंसर 1398 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के कितने भाग हैं? अभी मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को ऊपर बता ही दिया है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा तीन नंबर। ठीक है, तीन होते हैं, साकी सबर रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर कबीरदास, और डी नंबर एक केशवदास। तो कबीर पंथ की बात, जब कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है यानी कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज की इस वीडियो हम कबीरदास जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी कबीर पंथ के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम देश को कबीर और क्या नाम देते हैं? नंबर एक अमरपुर, बी नंबर एमपुर, और सी नंबर सीतापुर, डी नंबर स्वर्गपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अमरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कबीर किस शासक द्वारा अनेक बार प्रतंडित, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, प्रतंडित हुए? नंबर एक सिकंदर लोदी, बी नंबर अकबर, सी नंबर बीरबल, और डी नंबर शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर। ठीक है, सिकंदर लोदी से कई बार वो प्रतंडित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गहना एक कनकते गहना, ये पंक्ति किसकी है? जायसी, तुलसीदास, भूषण, कबीरदास। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, मैं आपको बता दूँ। इन सभी क्वेश्चनों की मैंने लिख के PDF तैयार कर ली है, ठीक है। वो सारी PDF और ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बता दूँगा कि आप उस वेबसाइट का क्या नाम है। फिलहाल जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े उनको मालूम ही है, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखते रहे, मैं लास्ट में बता दूंगा सारे क्वेश्चन आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहां पर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के अनुसार, अनुसार लिख दिया है यहां सर, आर होना चाहिए, ठीक है, अनुसार, कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे? नंबर एक शाहजहाँ, बी नंबर शेख तकी, और सी नंबर मोहम्मद शाह रंगीले, डी नंबर उस्मान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शेख तकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पिता का क्या नाम था? नंबर एक दशरथ, बी नंबर नीरू, सी नंबर है नंद, और डी नंबर है बलवान। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, कबीर जी के पिता का नाम था नीरू, और कहीं होता माता का नाम तो आप लिखते नीरू और नीमा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है पिताजी का नाम नीरू और माता जी का नाम नीमा है। ठीक है, तो ये हो गया कबीर के पिता का नाम, ये हो गया माता का नाम, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है? नंबर एक बिरह लीला, बी नंबर शबद, सी नंबर कबीर परिचय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है सी नंबर, ठीक है, कबीर परिचय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बीजक किस सन में संकलित हुआ था? बीजक से रिलेटेड अगर आप जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये रट लेंगे तो कोई ना क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक है, तो जो बीजक की जिस सन में संकलित हुआ था उस सन का नाम था यानी कि 1464 ईस्वी में बीजक को संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी किस भाषा में है? तो साखी एक बीजक का पार्ट ही है। ठीक है, तो गुजराती बी नंबर है, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, और सी नंबर है नेपाली, डी नंबर है फारसी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, राजस्थानी, पंजाब, मिली, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साखी में कौन सा छंद प्रयुक्त है? सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास ने कबीरदास के गुरु का क्या नाम था या कबीरदास के गुरु कौन थे? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नंबर एक नरिहर दास, बी नंबर रामानंद, और सी नंबर है रामानुज, और डी नंबर है रैदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अभी तो सर ऊपर आपने कबीरदास जी के गुरु की बात की थी, तो वो मैंने वहाँ पर बात की थी कि कबीरदास जी के गुरु मुसलमानों, जैसे कि क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कबीरदास जी मुस्लिमों, मतलब कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ चेंज हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में बीजक का संग्रह कबीर के कौन से शिष्य ने की थी? नंबर एक धर्मदास, बी नंबर रैदास, सी नंबर पीपा, और डी नंबर धन्ना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, धर्मदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द का मतलब क्या है? नंबर एक स्वर्ण, बी नंबर शब्द नंद, सी नंबर है शब्द, और डी नंबर है शब्दकोश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? नंबर एक नंदिनी, बी नंबर उपमा, सी नंबर है रीमा, डी नंबर लोई।
तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कबीरदास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था डी नंबर लोई। ठीक है, ये सब ध्यान रखना आपको, आपको ध्यान रखना है कि पत्नी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, पुत्र का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, कब डेट ऑफ बर्थ थी यानी कि कब इनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ था? नंबर एक धर्म, बी नंबर है आराधना, सी नंबर है भारतीय ब्रह्मवाद और डी नंबर है विरह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, भारतीय ब्रह्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमन है इश्क मस्ताना पंक्ति किसकी है? हरिदास की, हरिहरदास की, नरिहरदास की, सी नंबर बिहारी, डी नंबर कबीर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कबीरदास, हमन है इश्क मस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कबीर ने अपने काव्य में श्रेष्ठ किसे माना है? गुरु को, बहन को, पुत्र को, पत्नी को। तो जो कबीरदास जी थे वो अपने काव्य में जो श्रेष्ठ माना था, सबसे श्रेष्ठ वो माना है अपने गुरु जी को। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्न में कबीर की उलट बच्चियों में से कौन सा रस प्रमुख है? नंबर एक शांत, बी नंबर वियोग और सी नंबर संयोग, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, शांत रस। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर होगा शांत। ध्यान देना सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, निम्न में कबीर का संबंध किससे था? नंबर एक है द्वैतवाद, बी नंबर है अद्वैतवाद और सी नंबर है अभेदवाद, डी नंबर है शुद्धा द्वैतवाद से। तो जो कबीर जी का संबंध था वो था अद्वैतवाद से, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरी चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव कब हुआ था? नंबर एक है 1381 ईस्वी में, बी नंबर है 1840 ईस्वी में, सी नंबर है 1481 ईस्वी में और डी नंबर है 1398 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1398 में। ठीक है, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निर्गुण काव्य धारा के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो नंबर एक है कृष्णाश्रयी, बी नंबर है ज्ञानाश्रयी, सी नंबर है प्रेमाश्रयी और डी नंबर है रामाश्रयी। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी, ठीक है, काव्य धारा शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, राइट आंसर इसलिए इसका हो जाएगा बी नंबर, ज्ञानाश्रयी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन है? तो कबीर पर जो प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है उसका नाम है क्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, भक्तमाल, राइट आंसर हो जाएगा भक्तमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विगुचन किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया और विभ्रम भी, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, विगुचन किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया और भिम्रम भी है? ठीक है, तो नंबर एक कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर धर्मदास, डी नंबर रसखान। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों यहाँ पर का हो गया, मैनेज कर लीजिएगा, होना चाहिए था के। ठीक है, कबीर के पुत्र का क्या नाम था? नंबर एक रघुदास, बी नंबर रघुवर, सी नंबर कमाल, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम ही होगा इनके पुत्र का नाम, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर और पुत्री का नाम था आप लोगों को मालूम है कामली। ठीक है, कमाल और कामली। तो दोस्तों
इनके पत्नी का नाम, गुरु का नाम, पिता का नाम और इनके पत्नी का नाम और इनके मुसलमानों के अनुसार मुस्लिम गुरु, ये सब आप लोगों को मालूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कबीर दास जी का देहांत कब हुआ था? नंबर एक है 1680, बी नंबर है 1798 58 और सी नंबर 1507, डी नंबर है 1518। तो अब भाई जन्म से स्टार्टिंग हुई, यानी का जन्म हुआ, उसके बाद सब क्वेश्चन की कृतियाँ आईं। अब लास्ट में ये भी क्वेश्चन आता है कि उनका देहांत या उनका मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, वो होता है, क्या होता है, डी नंबर 1518 ईस्वी में। ठीक है, 1518 में। फिलहाल इनके जन्म और मृत्यु के बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन जो ज़्यादा सटीक है वो है 1518। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को अभी ये भी बता दूँ कि कबीरदास जिससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको ये पहले बता दूँ। तो ये आपकी अपनी वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको कबीरदास जिसके आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, ये भी क्वेश्चन और जितने और भी हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं पूरा प्रोसेस करके इस साइट पे वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो वहाँ से आप अच्छे से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में और भी वीडियो इंक्लूड करता तो शायद वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो जिससे आप बोर भी हो सकते थे, इसलिए मैंने मेन क्वेश्चन उठा के इस वीडियो में डाले हैं। और भी क्वेश्चन जैसे कि लगभग इनसे रिलेटेड मैं 50-60 क्वेश्चन डाल दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रोसेस में डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और पढ़ भी लीजिएगा। और ये आपका फेसबुक पेज है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप हमें इस पर फॉलो कर लीजिए, पूछिए, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।